Hello, dear students. This is your physics teacher, Ashish Sharma. And in this video, I am going to discuss some mathematical tools. And I will also share many videos in the same series as uh, their requirement will come in class 11th and 12th syllabus. So, this video is dedicated to logarithm and uh, a brief about differentiation. So, what is logarithm from the beginning to a new student? लोगैथम इज जस्ट अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप किसी नंबर को ऐसे लिखते हैं कि बी रेस टू पावर सी इज़ इक्वल टू ए तो उसका मतलब है कि लोग ऑफ ए टू बेस बी इज इक्वल टू सी ये आपकी डेफिनेशन इक्वेशन है लोगैथम की मैं फिर से बताता हूँ अगर किसी नंबर को आप ऐसे लिखते हैं कि बी रेस टू पावर सी इज इक्वल टू ए तो उसका मतलब है कि उस नंबर का ए नंबर का टू बेस बी इज इक्वल टू सी है एग्जाम्पल देखो if you 10 to the power 2 100 then log of 100 to base 10 is equal to 2 as per the formula which i discussed with you Give it a pause here and spend some time in grasping this formula and uh, retain it in your memory as it is very important take a pause here and grasp this formula we can have another example we can have any base like 10 and we can also have base 2 सो लोग बेस टू टू एट इज इक्वल टू थ्री एज वी नो टू रेस टू पावर थ्री इज इक्वल टू एट लेट सम मोर एग्जाम्पल्स लोग ऑफ वन फॉलोड बाय फाइव जीरोज़ वन लैख टू बेस टेन तो ये कितना होगा ये फाइव होगा क्योंकि हमें पता है टेन रेस टू पावर फाइव इज इक्वल टू वन लैख अगर इसको लिखूंगा टेन रेस टू पावर फाइव तो ये लगा वन टू थ्री फोर फाइव तो आपको समझ में आ रहा है कि लोगैथम सिर्फ एक तरह की पावर लिखने की नोटेशन है कि जैसे एक लाख अगर दस की पावर पाँच है तो इसका मतलब ये है कि एक लाख का लोग टू द बेस टेन फाइव हो गया जैसे एट जो है वो टू की पावर थ्री है तो इसका मतलब है कि एट टू की पावर थ्री है तो इसका मतलब ये है कि एट का अगर मैं लोगैथम लूँ टू बेस टू तो वो मेरा कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा वो मेरा ठीक है तो ऐसे ही अब मैं आपको एक एक्जाम्पल वो देता हूँ जैसे लोग ऑफ हंड्रेड टू हो जाएगा जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया बिकॉज टेन स्क्र इज़ इक्वल टू हंड्रेड और लोग ऑफ थाउजेंड थ्री हो जाएगा अगर मैं हंड्रेड 100 और थाउजेंड को मल्टीप्लाई कर दूँ तो उनका लोक तो फाइव आएगा क्योंकि जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर लेकिन इनकी इंडिविजुअल लोक वैल्यूज़ को अगर मैं देखूँ तो इन्हें अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास सेम लोग आ जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि लुैथ आपकी पावर की रिप्रेजेंटेशन है और अगर आप टेन स्क्वायर और टेन क्यूब को मल्टीप्लाई करते आपस में तो उनकी पावर ऐड होती है, जो कि टू और थ्री थी अगर हम हंड्रेड को लिखते हैं टेन की पावर में तो हम टेन की पावर टू लिखते और थाउजेंड को हम थ्री लिखते और बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है तो इसीलिए अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनके जो लुगैथ है वो ऐड हो जाते हैं क्योंकि लोग उनके एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ से आपका सी वाला फार्मूला आ गया कि अगर लोग ऑफ ए इन टू बी होगा टू एनी पर्टिकुलर बेस बी तो वो लोग आपका ए टू बेस बी प्लस लोग बी टू बेस बी एड हो जाएगा और इसी लॉजिक के हिसाब से जो अगर डिवाइड में आ जाएगा तो वो लोग ऐसे हमें सब्ट हो जाएगा क्योंकि आपको पता है अगर हम लिखें टेन की पावर सिक्स डिवाइड बाई टेन की पावर टू तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन की पावर सिक्स माइनस टू दैट इज़ टेन की पावर फोर तो अगर डिवाइड में था तो आपने सब्ट्रैक्ट किया और लोग आए हम तो पहली पावर पे चल रहे तो इसलिए अगर लोग ऑफ़ ए और डिवाइड बाई लोग ऑफ़ बी होएगा तो वैसे भी अगर आप इसी एग्जाम्पल के हिसाब से भी देख लें तो लोग ऑफ़ टेन की पावर सिक्स आपका सिक्स आ जाएगा और माइनस लोग ऑफ टेन की पावर टू आपका टू आ जाएगा टू बेस टेन तो ये आपका टेन आ जाएगा सिक्स माइनस टू तो अगर नंबर डिवाइड में है तो जो उनका लोग है वो सबट्रैक्ट हो जाता है ठीक है अच्छे और एक और बात यहाँ पे जैसे अभी अभी हम ये एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं कि लोग ऑफ वन लैख टू बेस टेन इज़ फाइव बिकॉज टेन रेज टू पावर फाइव विल गिव यू वन लैख तो अगर मैं इस वन लैख को टेन की पावर फाइव लिख लेता हूँ तो मुझे पता है कि लॉग बेस टेन टू टेन तो वन ही होएगा क्योंकि टेन की पावर वन टेन होता है तो ये पाँच को मैं मल्टीप्लाई में भी लिख सकता हूँ यहाँ पर तो ये पाँच को मैंने मल्टीप्लाई में लिखा दस की पावर थी पावर जो थी वो मल्टीप्लाई में आ गई क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है आपको याद होगा तो ये वही है तो पाँच मल्टीप्लाई में आ गया और लोक बेस टेन टू टेन जो है वो आपका वन होएगा तो ये फ़ाइव आ गया तो यानी कि आपको यहाँ से पता चल गया कि जैसे अगर मैं लोक ऑफ हंड्रेड रेस टू पावर थ्री लिखूँगा तो मुझे पता है हंड्रेड टेन स्क्वायेर होता है और टेन स्क्वायर जो हंड्रेड है मेरा वो टेन स्क्येर होता है मैं इसको लिख सकता हूँ लोक टेन स्क्र रेस टू पावर थ्री और पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये टेन की पावर सिक्स हो गया तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे ये थ्री पावर थी तो ये थ्री पावर आपकी मल्टीप्लाई में आ गई यहाँ पे लो हंड्रेड बचा लो हंड्रेड को मैं टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ तो फिर टू पावर है वो दोबारा मल्टीप्लाई में आ गई तो यहाँ सिक्स बच गया या मैं इसको सीधा इसी स्टेप पर टेन की पावर टू की पावर थ्री लिख देता तो ये टेन की पावर सिक्स बन जाता और फिर भी ये मेरा लो जो है टेनरेट पावर सिक्स टू बेस टेन सिक्स आ जाता ठीक है तो गिव इट सम टाइम लेट इट सिंक इन योर माइंड डिफ्रेंसेशन ऑफ लोग एथम के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि डिफ्रेंसेशन को हम डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ लोग एक्स हमारा क्या होता है वन बाई एक्स तो अगर हमारे पास वाई जो है वो लोग एक्स गिवन है तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वन बाई एक्स हो गया और आई कैन राइट डी वाई ये डी एक्स मल्टीप्लाई में चला जाएगा डी एक्स बाई एक्स ये जो है लोग का डिफ्रेंसीशन ये अभी जो आप वन ई चैप्टर करोगे फिजिक्स में प्रदीप बुक में एरर्स वाला तो उसमें प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटीज़ में आप ये वाला मैथमेटिक्स यूज़ करोगे और क्योंकि आप एक्चुअल डिफेंसीशन ट्वेल्थ में पढ़ोगे तो मेडिकल वाले बच्चों को पर्टिकुलरली बहुत दिक्कत आती है तो उनको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर वो अभी ज़ीरो लेक्चर सिक्वेंस अगर ये मेरी देखेंगे मैथमेटिकल टूल्स वाली इसको मैं जीरो नंबर डालूंगा यूनिट्स वन टू थ्री से पहले सो डिफेंसीशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस का बेसिक सा फार्मूला जो आपको पहला पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसीशन है ये डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसीशन का सिंबल है हमारा तो ये पावर जो है ये मल्टीप्लाई में आगे आ जाती है और फिर इस पावर में से एक माइनस वन करके हम इसका यहाँ पे लिख देते हैं तो जैसे अगर एक्स क्यूब का अगर हमें डिफ्रेंसीेशन करना है तो ये जो पावर है ये आगे आ गई मल्टीप्लाई में थ्री और एक्स और थ्री में से एक माइनस हो गया तो थ्री एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया ऐसे ही अगर आपके पास फोर एक्स है तो आप उसे फोर एक्स की पावर वन मान सकते हैं फोर को आप बाहर निकाल लो डिफ्रेंसीशन कैसे इनसे डिफ्रेंसी एक्स की पावर वन वन जो है वो आगे आ गया मल्टीप्लाई में और एक्स की पावर वन माइनस वन ज़ीरो हो गई और किसी की पावर जीरो जो होती है वो वन होती है तो ये आपके पास फोर आ गया तो फोर एक्स का डिफ्रेंसीशन आपके पास फोर आ गया ऐसे ही अगर आपके पास कोई कॉन्सटेंट है जैसे फाइव तो आप उसको फाइव इंटू वन मान सकते हो और वन को हम एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं क्योंकि कि किसी की पावर जीरो वन होता है तो फाइव इन में अब जीरो मल्टीप्लाई में आ गया आगे और एक्स की पावर होगी जीरो माइनस वन और ज़ीरो मल्टीप्लाई में एनीथिंग क्या हो जाती है ज़ीरो तो किसी भी कॉन्स्टेंट का जो डिफ्रेंसीशन है वो आपका हमेशा क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा तो ये आपका मैथमेटिकल टूल्स का एक छोटा सा वीडियो था लोगैथम से रिलेटेड लोगैथम के फॉर्मूलों से रिलेटेड जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे एडिशन में और डिवीज़न कैसे सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है और अगर लोग हम किसी नंबर का ले रहे हैं और उस नंबर की पावर है तो वो पावर आगे हमारी मल्टीप्लाई में आ जाती है तो इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो एंड बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज़ दिस लोग इन एवरी ऑफ़ यूर फिज़िक्स और मैथमेटिक्स डिज़ मैटर ऑफ क्लास इलेवन ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक ऑलवेज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग